चल पक्के चलिए शुरू करें। आज हम लोग एक दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि कल तक हम लोग मिले नहीं थे, कल गायब था मैं, आप लोग तो थे सब। एक्चुअल में कल फंस गया था। आज हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे शरीर में ब्लड कैसे कैसे बहता है, कैसे चलता है पूरे शरीर में, और हार्ट कैसे पंप करता है। मुख्य रूप से हार्ट की बात करेंगे क्योंकि हार्ट ही हमारा ऐसा पार्ट है जो लगातार हमारे ब्लड को सर्कुलेट करता रहता है, पूरी बॉडी में पहुंचाता है, और बॉडी में पहुंचाने के बाद में उसको शुद्ध भी करता है, मतलब शुद्ध लंग्स के द्वारा होता है, वहां पर शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त पहुंचते हैं। अगर ब्लड पंप करना हार्ट छोड़ दे तो क्या होगा? हम मर जाएंगे। बेटा आवाज नहीं करो। अगर हार्ट हमारा ब्लड पंप करना छोड़ दे तो हम मर जाएंगे, है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? इसमें मुख्य रूप से तीन चीजें होती हैं। एक होता है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। दूसरा होता है ऑर्गन सर्कुलेटरी ऑर्गन। तीसरा होता है ब्लड सर्कुलेटरी ब्लड, सर्कुलेटरी ब्लड। ठीक, तीन चीजें होती हैं। वेसल्स में क्या आती हैं? आर्टरीज और वेन, धमनी और सिराए, ये आप लोगों ने सुनी होंगी। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं धमनी और सिराए क्या होती हैं। आप लोगों ने टेंथ में ये बात पढ़ी होगी कि धमनी और सिराए क्या है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, ऑर्गन क्या है? ये है हार्ट। हार्ट हार्ट मतलब हृदय, हमारा हृदय ऑर्गन में आता है। ठीक है, किसमें? ऑर्गन में, समझ आया? इसमें क्या आएगा? ब्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लड, रक्त आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रक्त। और रक्त में क्या क्या होता है बताओ? एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लाज्मा, चौथा होता है प्लेटलेट्स। ब्लड में क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये होती हैं। ब्लड वेसल्स में धमनी और सिराएं होती हैं। सर्कुलेटरी ऑर्गन में हार्ट होता है। सर्कुलेटरी ब्लड में क्या होता है? ब्लड होता है। और ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा प्लेटलेट्स, चारों चीजें पाई जाती हैं। हम लोग ब्लड पढ़ चुके हैं तो ये सभी चीजें पढ़ चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं ये सभी चीजें। ठीक है, आज हम इनकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, लेकिन इनकी मेन ये तो बहेगा क्या है हमारी बॉडी में, क्या चल रहा है। कई बार एक कहते हैं ना कि हमारे शरीर में खून नहीं पानी है, कि पानी नहीं खून है, क्या है? क्या बहता है हमारे शरीर में? पानी। अच्छा, खून बहता है। जब भी लड़ाई होती है किसी, बोलते हैं तो तुम में खून दौड़ रहा था, मेरे में क्या पानी है?
मैं भी तुम्हें उतनी ही ताकत से उठा के पटक सकता हूँ। आई विल नॉक यू डाउन। पानी जब बन जाता है, जब हमारे पंप कर दे, करना बंद कर दे, डेड हो जाते हैं ना। और दूसरी चीज, हमें जब बीमारी हो जाती है, पीलिया हो जाती है ना, तब भी हमारे ब्लड में पानी की कमी हो जाती है। ऐसा भी होता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, पानी की नहीं, खून कम हो जाता है। चलो ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरी बात यह है कि इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा छोटा सा। आज जो आपका दिल है वो वैसा नहीं बनेगा जैसा हम लोग सोचते हैं, है ना? जैसे आप लोग बना देते हैं ना ऐसे ऐसे करके, ऐसा नहीं बनेगा वो। क्या है, बनेगा ऐसे ही वैसे, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। बन गया, नोट हो गया बेटा। चल बिठा दो मैं इसको। देखिए, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, एक हमारे फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं, लंग्स। क्या होते हैं, फेफड़े, लंग्स। दूसरा होता है हार्ट, HEART, हार्ट, ठीक है। तीसरा होता है हमारा ऑर्गन। क्या होता है, ऑर्गन। ये तीन चीजें होती हैं, लंग्स, हार्ट और ऑर्गन। आप लोगों ने पढ़ा था कि हम जब सांस लेते हैं, सांस लिया किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है, क्योंकि आरबीसी में एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। तो लंग्स में पहुंच गई ऑक्सीजन, तो उसके बाद रक्त में मिलने के बाद ये कहां पहुंचती है, ऑक्सीजन यहां पहुंचती है, किसके कारण पहुंचती है, हीमोग्लोबिन के साथ, HB+O2, ठीक। अब यहां से यहां पहुंचती है, ये पहुंचेगी कि नहीं, HB+O2। कहां से, हार्ट से कहां पहुंचेगी, ऑर्गन अंगों तक पहुंचेगी। पहले तो हमारे फेफड़ों में पहुंची, फेफड़ों के बाद में ऑक्सीजन कहां पहुंची, हार्ट में, हार्ट के बाद कहां पहुंची, ऑर्गन, ठीक। ये प्रोसेस हो गई। अब ये ऑक्सीजन क्या है, श्वसन की क्रिया के कारण क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है कुछ मात्रा में, है ना? तो इसमें क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, तो ये कहां पहुंचेगी, यहां से यहां तक। हीमोग्लोबिन अब क्या करेगा, CO2 लेके आएगा, आया ना। अब यहां से CO2 कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, और यहां से बाहर निकल जाएगी HB+CO2। आप एक चीज जानते हैं कि जब भी O2 मिली रहती है ब्लड में, तो वो ब्लड कैसा रहता है, रक्त शुद्ध रहता है। क्या है, शुद्ध। तो इधर क्या है, शुद्ध रक्त है, कह सकते हैं, आया ना। और श्वसन की क्रिया के कारण, जब श्वसन क्रिया हो जाए उसके बाद में O2 किस में चेंज हो जाती है, CO2 में। और CO2 में जब चेंज हो जाएगी तो वो लौट के आ रही है, तो जब CO2 जब लेके आ रही है तो कौन सा रक्त होता है, वो अशुद्ध होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाले भाग में, इन में क्या है, शुद्ध रक्त बह रहा है, और इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, आया ना, कह सकते हैं कि नहीं। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनमें शुद्ध रक्त बह रहा है और इनमें अशुद्ध, तो एक बात सुनिए, अब ये जो रक्त बह रहा है, पहुंच रहा है यहां से यहां तक, तो इसके लिए कुछ ले, कोई लेके जा रहा होगा कि नहीं, कोई नलिका ले जा रही है कि नहीं, ले जा रही है, ये नलिका है कि नहीं है, एक नलिका ये है, हाँ या ना, और एक नलिका ये है, ये भी ले जा रही है, ये भी नलिका है, ऐसी कई सारी नलिकाएं होती हैं ये, लेकिन ये दोनों अपवाद है।
जब भी हमारे लंग से फेफड़ों से रक्त को हार्ट तक जो ले जाता है उसको कहते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या कहते हैं? फुफ्फुस सिरा। पल्मोनरी बीन, पल्मोनरी बीन, ठीक। और हार्ट से ऑर्गन तक जो ले जाता है उसको कहते हैं, ये बहुत सारी होती है, इनको कहते हैं आर्टरी। क्या कहा जाता है? आर्टरी, धमनी। क्या कहा जाता है? धमनी, धमनिया कहा जाता है, ठीक है। तो आपको एक बात समझ आ गई कि यहां से लंग से हार्ट तक जो ले जा रहा है उसको कहते हैं फुस्सरा, और यहां से यहां तक जो ले जा रहा है उसको कहते हैं धमनी। क्या कहेंगे? धमनी, आर्टरीज, ठीक है, समझ आ गया। अब यहां से जो ब्लड लेके जा रहा है उसको कहेंगे सिरा, सिरा, और ये धमनियां, धमनियां कर दें हम इनको, बहुत सारी होती हैं। तो बीन्स, और ये क्या है? आर्टरीज। ठीक, समझ आ गया। अब ये क्या है? ऑर्गन से हार्ट तक जो लेके जा रहा है ब्लड को कौन है? सिराएं होती हैं। क्या होती हैं? सिराएं होती हैं। अब हार्ट से लंग्स तक जो लेके जा रहा है ब्लड को वो क्या है? फुफ्फुस धमनी होती है। फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होती है, धमनी होती है। तो हमें एक समझ में आ गई एक बात कि हम ये कह सकते हैं कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, हाँ या ना? और फुफ्फुस सिरा में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, बता सकते हैं कि नहीं इससे? और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? सिराओं में, सभी में अशुद्ध रक्त बहता है, केवल एक को छोड़ के, किसको? फुफ्फुस सिरा को, हाँ या ना? फुफ्फुस सिराओं को छोड़कर किसमें बहता है? सिराओं में, सभी में अशुद्ध बहता है, और धमनियों में सभी में शुद्ध बहता है, फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर, हाँ या ना? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? समझ आया कि नहीं इतना कि हमारी फुफ्फुस सिराएं और फुफ्फुस धमनी दो ऐसे हैं, वैसे नॉर्मली सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस सिराओं में कैसा बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, हाँ या ना? समझ आया कि नहीं इतना बेटा? आप लोगों को कोई दिक्कत? ये समझ आ रहा है कि नहीं? फुफ्फुस सिराओं में कैसा बह रहा है? शुद्ध। सभी धमनियों में कैसा बह रहा है? शुद्ध। सिराओं में कैसा बह रहा है? अशुद्ध रक्त। और इसमें फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो आप क्या कहेंगे? धमनियों में कैसा रहता है? इसको देख के बताओ ना, चीटिंग तो करना आती है हमें, अगर चीटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है हमेशा, ठीक है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध बहता है, और सिराओं में कैसा रहता है? अशुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुस सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। इतना समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें, आप अपने शब्दों में लिखना चाहें क्या, कि लंग से हार्ट तक, फेफड़ों से हमारे हृदय तक जो रक्त को लेके जा रही है, शुद्ध को रक्त को लेके जा रही है, वो कौन है? फुफ्फुस सिराएं लेके जा रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक फुफ्फुस सिराएं लेकर जाती है, एक लाइन ही बन गई, आया ना? अगर आप लिखना चाहें तो दूसरी लाइन ये बन जाएगी कि हृदय से अंगों तक हमारे शुद्ध रक्त को जो लेके जाती हैं वो धमनियां कहलाती हैं, दूसरी लाइन ये बन गई, ठीक। तीसरी लाइन ये बन जाएगी कि अंगों से अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय तक जो पहुंचाती हैं वो सिराएं कहलाती हैं,
क्या कहलाती हैं? सिराएं कहलाती हैं। और हृदय से हमारे फेफड़ों तक, जो हमारे हृदय से फेफड़ों तक जो रक्त पहुंचाती हैं अशुद्ध रक्त को, वो कौन है? उपकोष धमनी होती है। समझ आया कि नहीं भाई? आप लोगों को समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें, डाउट? एक्चुअल में इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं है इसमें, देखना है बस। दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों बेटा, आप लोगों को दिक्कत तो नहीं? चलो नोट कर लिए, कर लिया कि नहीं? कर लो ना। कर लिया ना। गांव की लैंग्वेज बड़ी मजेदार होती है। आजकल शब्द बहुत सारे कह सकते हैं कि विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत सारे शब्द। हमारी जो पहचान है ना गांव की, वो विलुप्त होती जा रही है, लगातार विलुप्त होती जा रही है। एक शब्द आता है गैल, गैल जाने। एक तो गैल वो है जो भूत है, छक्के मारता है, और दूसरा गैल का मतलब होता है रास्ता। और कई बार ये पूछा जाता था, पहले कहा जाता था कि भैया तुम्हें वो कहाँ मिला था, तो आप मुझे गैल में मिल गया होता, ये होता था पहले। लेकिन आजकल क्या है, शब्द चेंजिंग हो गई है थोड़ी सी। आजकल हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश भी मतलब ना हिंदी ना इंग्लिश, दोनों ही इंग्लिश है, हिंदी प्लस इंग्लिश। जैसे हिंदी का, हिंदी है ये और ये है इंग्लिश। अब ये हिंदी का ए ले लिया, ए टी, ठीक है, और इसका ये ले लिया और बना दिया क्या, इंग्लिश। ये भी ले लिया जी। इसमें क्या है, हम हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं। आप सभी लोग ना तो प्योर हिंदी बोलते हैं ना ही प्योर इंग्लिश बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश बोलते हैं। जैसे टीचर इंग्लिश शब्द है, रोड इंग्लिश है, बस इंग्लिश है कि नहीं, पेन इंग्लिश है, बाइक इंग्लिश है, ये सभी इंग्लिश है कि नहीं, रोड इंग्लिश है, ट्रेन इंग्लिश है, ये सभी शब्द इंग्लिश हैं, फिर भी हमें घमंड नहीं है। कितनी सारी इंग्लिश आने के बावजूद हम क्या बोलते हैं, हम इंग्लिश नहीं आते, बड़प्पन है हमारा। बस को देखेंगे क्या बोलेंगे हिंदी में, मोटर भी तो इंग्लिश ही है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। हमने इसको मिटा दिया, क्या कर दिया, मिटा दिया। चलो अब बात ये आती है, इसको थोड़ा सा छोटा सा बनाना पड़ेगा हमें। क्यों बनाना पड़ेगा? इसलिए बनाना पड़ेगा, हम लोग इसको छोटा सा बना लेते हैं। इस आर टी हर्ट और लंग्स और ये ऑर्गन, ठीक है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। बेटा बातें नहीं करो, टॉन टॉक क्या है, आवाज पहुंचती है और ना लोग डिस्टर्ब होते हैं, है ना, अच्छी बात नहीं है। अब बात ये आती है कि हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, बनाना है हार्ट का। आप लोग कहते हैं तो ऐसे ही बना देते हैं, चलो आप लोगों की मर्जी है कि हार्ट ऐसे ही बनना चाहिए तो ऐसे बना दिया, हटाओ। अच्छा इसमें एक परत होती है, क्या होती है, एक परत होती है बीच में, एक परत होती है, क्या होती है, परत, ठीक। इसको थोड़ा सा बीच में को बना देते हैं, थोड़ा सा बीच साइड में को, है ना, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी। दिख तो रहा होगा आप लोगों को, हाँ या ना? इसमें हमारे हृदय में चार कक्ष होते हैं, क्या होते हैं, चार कक्ष, दो आलिंद दो हृदय।
नहीं है। एओरिकल आलिन, एवियोरिकल ए, बेंट्रिकल एवी बेंट्रिकल वेंट्रिकल। ए आलिंद है, क्या है आलिंद, ए भी क्या है आलिंद, और ये क्या है निलय, और ये क्या है। इसका मतलब ये है कि एक दो तीन चार, हमारे एग्जाम कितने कक्ष होते हैं, पहली बात तो ये चार होते हैं, कितने होते हैं एक दो तीन चार, ठीक है। हमारे एग्जाम कितने कक्ष हो गए चार, दो कक्ष। अब बात यह आती है कि अगर हम ऐसे खड़े हो जाए, हमारे हृदय को ऐसे निकाल के ऐसे चिपका दिया जाए, ऐसे खड़े हैं ऐसे निकाल के ऐसे चिपका दिया, तो आप ये बताओ कि ये वाला हिस्सा कैसा रहेगा, लेफ्ट, हाँ यार इस साइड वाला, ये लेफ्ट और ये राइट, तो इसको कहते हैं लेफ्ट और इसको रख दिया हमने राइट। चलिए ठीक है, समझ आ गया। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें, ऊपर वाला डायग्राम है उसको ऐसे घुमा दें, बनाया ना आपने ये, उसको अगर ऐसा घुमा दें तो देखिए हमारा ये जो है लेफ्ट है, तो लेफ्ट ओरिकल, तो ये लेफ्ट ये भी हो जाएगा कि नहीं, और ये राइट हो जाएगा कि नहीं, हाँ यार ठीक है। आलिंद लेफ्ट, आलिंद राइट, आलिंद वेंट्रिकल लेफ्ट और वेंट्रिकल राइट, ये हो गए चार कक्ष। अब बात ये आती है, इधर हम बना देते हैं ये क्या फेफड़ा, ये बना दिया हमने फेफड़े, चलो ये बना दिया हमने क्या फेफड़े, ठीक है। अब बात ये आती है, हमने क्या ली सांस, सांस ली सांस, अगर सांस ली तो उसमें ऑटो मिलेगी कि नहीं, यहां पर कहा गया भैया एच बी प्लस ओ टू, एच बी प्लस ओ टू और एच बी प्लस सीओ टू, एच बी प्लस सीओ टू, और ये क्या परमरिन पर्पस बी, और ये क्या है आर्टरीज, और ये क्या है बीन्स, और ये क्या है पी ए परमोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये आप लोगों ने बनाया था पप्पस सराय, पप्पस धमनी और धमनिया और सराय, बताया था अभी बनाया था। अब बात याद ही, हमने सांस ली तो यहां पहुंच गए, ठीक है ऑटो मिल गई हमारे रक्त में, मिल गई, अब मिलकर कहां पहुंच रही है हार्ट में पहुंच रही है, तो हार्ट में कौन पहुंचा रहा है भैया, ये आ रही, इधर बना देते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा, यह बना देते हैं ये बना दिया हमने, ठीक है। ये बना दिया हार्ट में कौन पहुंचा रहा है, लेफ्ट साइड में पहुंचती है, सीधी बात यह कि लंग्स से लेफ्ट साइड में पहुंचेगी, इसका मतलब कौन पहुंचा रहा है, क्या है पप्पस सिराय, तो क्या है पप्पस सिराय, ठीक आया ना समझ आया। हमारे यहां से जो ब्लड है यहां से यहां पहुंचा है, कौन पहुंचाया पप्पस सिराय, इसमें आ गए, कहां पहुंच गए हार्ट में। अब हार्ट में से एक बाल्ब लगा रहता है, इसमें डाइकस्पिड बॉल्ब है, डाइकस्पिड बॉल्ब, और ये क्या है ट्राइकस्पिड बॉल्ब, बॉल्ब मतलब ढक्कन कह सकते हैं रोकने वाला। अब ये जो बीच में जो परत है इसका नाम है सेप्टम, देखिए अब ये जो हमारा ब्लड है वो कहां आ गया लेफ्ट आलिंद में आ गया, कहा गया लेफ्ट आलिंद, ठीक है। डाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा ये इसमें पहुंच गया लेफ्ट
वेंट्रिकल में, यहां आ गया। अब यहां से एक ब्लड पंप करेगा और ब्लड पंप करके कहां पहुंचेगा, एक ऑर्गन रहता है आयोर्टा, किसमें पहुंचता है आयोर्टा, ठीक है, कहां पहुंचा आयोर्टा। लाइट गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मोबाइल जला दीजिए बेटा, इधर आगे ले आओ आगे थोड़ा। देखिए आयोर्टा पहुंच गया, और आयोर्टा में ये पहुंच गए तो आयोर्टा में बहुत सारी धमनियां जुड़ी रहती हैं, क्या रहती हैं, धमनियां जुड़ी रहती हैं ये, ठीक है, धमनियां, और धमनियां जुड़ी रहती हैं, और धमनियों के द्वारा हमारा जो ब्लड है उनका पहुंच जाता है ऑर्गन तक पहुंच जाता है, कहां पहुंच जाता है ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ठीक है। आयोर्टा में क्या होती है, धमनियां जुड़ी रहती है, धमनियों के द्वारा हार्ट से ब्लड कहां पहुंच जाता है आयोर्टा से ऑर्गन तक पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा, इतना कहां पहुंच गया ऑर्गन तक, चलिए ये ऑर्गन तक आ गया। अब बात यह आती है कि ऑर्गन के बाद अगर बात करें, ऑर्गन के बाद ये क्रिया होती है श्वसन, श्वसन क्रिया में क्या होता है कि हमारी जो ओटू थी उसमें हम चेंज कर देते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गन चेंज करते हैं और क्या होता है CO2 में कन्वर्ट हो जाती है कुछ, हाँ या ना, होती है। उसके बाद में क्या होता है, ऑर्गन से हार्ट तक कौन लेके आएगा ब्लड को, बीन्स लेके आएंगी, बीन्स मतलब सिराय, हाँ या ना, बीन्स लेके आएंगी वो ये आ गए, चलो बीन्स लेके आ गए, ये ब्लड आ गया सिराओं के द्वारा। लेकिन हमारे हार्ट के ऊपर वाला एक भाग है और नीचे वाला एक भाग है, हाँ या ना, हार्ट के ऊपर भाग है और नीचे भी भाग है, तो हमारे ऊपर वाले भाग से, हार्ट के ऊपर वाले भाग से जो सिराएं हमारे ब्लड को लेके आती हैं उनको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और हमारे निचले वाले हिस्से से जो ब्लड को लेके आएंगी उनको कहेंगे इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। है क्या ये, है एक्चुअल में क्या सिवाय बीन्स ही है, लेकिन बीन्स के कारण क्या है, ऊपर वाले हिस्से से जो सिराएं आ रही हैं हार्ट तक उनको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले हिस्से से जो आ रही हैं उनको कहेंगे इंफीरियर वेना कावा। अब बात यह आती है कि ऑरिकल से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा ये वेंट्रिकल में पहुंच जाता है ब्लड, और वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद क्या होता है, यहां से ब्लड पहुंच जाता है लंग्स में, ठीक है, कहां पहुंच जाता है लंग्स में, और लंग्स में जो पहुंचाएगा वो कौन पहुंचाएगा, फुफ्फुस धमनी, हाँ या ना। तो यहां से अगर बात करें तो हम लोग फुफ्फुस धमनी पहुंचाएगा, तो ये जो है हम इधर बना देते हैं, ये ब्लड निकला और ये कहां पहुंचा, फुफ्फुस धमनी से कहां पहुंचा, अगर ऐसे करें तो हम लोग यहां पहुंच गए, और यहां से ब्लड कहां पहुंचा, फेफड़ों से कहां पहुंचा था, ये ऐसे पूरा का पूरा हमारा ये जो सिस्टम है वो पूरा हो गया कि नहीं साइकिल, यहां फिर से शुद्ध हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन मिल जाएगी और ये लगातार ऐसे चलता है। समझ आया कुछ नहीं आया, दोबारा सुनो, ध्यान सुनिए। अब बात यह आती है कि हम लोगों ने सांस ली, क्या ली, सांस ली, हमारे हृदय में सांस ली तो ओटू मिल जाएगी हमारे फेफड़ों में रक्त में, आया ना, इससे देख सकते हैं हम लोग, यहां ओटू मिल गई, हमारे फेफड़ों में पहुंची हमारी सांस और रक्त में मिल गई, ठीक है। रक्त में मिलने के बाद में ये यहां से फेफड़ों से हार्ट तक पहुंचेगी, तो यहां से जो सांस है वो रक्त के द्वारा यहां पहुंची हार्ट में, कौन लेके गया, फुफ्फुस सिराए, ठीक है, यहां पहुंच गई, कहां पर, लेफ्ट आलिंद में या ऑरिकल, ठीक है, यहां से
ये जो बाल्ब है, बाल्ब के द्वारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाती, कौन सा बाल्ब है, टाइकस्पिड बाल्ब। यहां से इसमें पहुंचता आयोटा, पहुंचता है ब्लड, और आयोटा में धमनीय जोड़ी होती है जिससे पूरे शरीर में हमारा ब्लड पहुंच जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हम लेफ्ट वाले हिस्से में, हृदय के लेफ्ट वाले हिस्से में शुद्ध रक्त बहता है या अशुद्ध रक्त बहता है, कैसा बह रहा है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, कैसा बहता है, शुद्ध रक्त बह रहा है और धमनियों से अंगों तक पहुंच जाता है। अंग क्या करते हैं, इसको CO2 में चेंज कर देते हैं और यहां से सिराएं, जो सिरा होती है वो राइट ऑरिकल में ब्लड को पहुंचाती है। हमारे हृदय के ऊपर वाले हिस्से में जितनी सिराएं ब्लड लेके आती हैं उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और हमारे निचले वाले हिस्से से हमारे हृदय तक जो सिराएं लेके आती है ब्लड को वो कहलाती है इंपीरियर वेना कावा। क्या कहलाएंगी, इंपीरियर वेना कावा। सिराएं हैं लेकिन वो क्या कहला रही है, इंपीरियर और सुपीरियर। ट्राइकस्पिड वाल्व से ये वाला जो है क्या, ये ब्लड यहां पहुंच जाता है, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है और राइट वेंट्रिकल से हमारा उपज धमनी के द्वारा ये कहां पहुंच जाता है, हमारे फेफड़ों तक ब्लड पहुंच जाता है। इस प्रकार पूरा का पूरा सर्कुलेशन, पूरा का पूरा साइकिल हो जाता है कि नहीं, पूरी प्रक्रिया सर्कुलेट हो जाती है, फिर से शुद्ध हो जाता है ब्लड, वही प्रोसेस लगातार चलती रहती है। और एक बार धड़कने में ये ब्लड पंप करता है 70 ml के आसपास, ठीक है, 70 ml, और पूरी 72 धड़कनों में ये 5 लीटर के आसपास ब्लड पंप करता है 72 धड़कनों में, और 24 घंटे में हमारा जो ब्लड है हृदय के द्वारा पंप किया जाता है 7000 लीटर। कितना, 7000 लीटर। क्या हमारे अंदर ब्लड आ जाता है कि वही सर्कुलेट होता रहता है, वही चलता रहता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक धड़कन में 70 ml, 72 धड़कनों में 5 लीटर और 24 घंटे में 7000 लीटर हमारा हृदय ब्लड पंप करता है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये सुखड़ता है तब इन दोनों में आता है, आलिंदों में आता है ब्लड, और जब ये फैलता है तब इन दोनों में ब्लड पहुंचता है, ठीक है। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं, हाँ। सुखड़ेगा तब इनमें आएगा और फैलेगा तब इनमें आएगा, इस प्रकार एक पूरा पूरा सर्कुलेशन हो जाता है। समझ आया, कुछ नहीं आया, कोई डाउट है बेटा आप लोगों को, इनमें नहीं समझ आ रहा, साइलेंट मोड में बैठे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। दोबारा सुनिए, अभी एक्चुअल में इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद दोबारा बताऊंगा एक बार। ये जो परत है ना, इसको लेफ्ट और राइट को अलग करनी, उसको सेप्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेप्टम, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कई बार कि हमारे बाएं हिस्से में, हृदय के बाएं हिस्से में कौन सा रक्त बहता है, तो हम क्या कह सकते हैं, शुद्ध, और दाएं हिस्से में कौन सा बहता है, वो अशुद्ध, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ, और आप लोग इससे ये भी बता सकते हैं, आप इससे ये बता सकते हैं कि कौन सी सिराओं में, कौन सी धमनियों में कैसा रक्त बहता है, कौन से हिस्से में हमारे हृदय के में शुद्ध रक्त है, कौन से में अशुद्ध रक्त है, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, हाँ या ना, कंप्लीटली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए इसको। जो कल के दिन
एक बार और बताऊंगा आप लोगों को मैं, आप केवल इसको नोट कर लीजिए, हो गया नोट। देखो दोबारा सुनिए बेटा, हम लोगों ने पहले इसको समझा था कि हम जब सांस लेते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो है फेफड़ों पहुंच जाती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है, और रक्त में मिलने से क्या होता है आरबीसी पाई जाती है रक्त में। आरबीसी में एक तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये रक्त के साथ मिलकर हमारे पूरे शरीर में पहुंचती है। अब बात ये आती है लंग्स जब पहुंचते हैं हम सांस लेते हैं वहां पहुंच जाती है ये ऑक्सीजन, उसके बाद में यहां से हार्ट तक जो पहुंचाती है उसको फुफ्फुसराव कहते हैं, बीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है फुफ्फुसराव में कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त बह रहा है। हार्ट से ऑर्गन अंगों तक जो पहुंच रहा है वो कौन कह रहा है, कौन ले जा रहा है, आर्टरीज धमनी ले जा रही है, धमनी। इसका मतलब इसमें भी ओटू मिली है, इसका मतलब धमनी में कैसा रक्त बहता है, धमनियों में शुद्ध रक्त। और यहां से ऑर्गन के बाद ऑर्गन क्रिया करके श्वसन करके ऑक्सीजन को CO2 में चेंज कर देते हैं, और CO2 में जो लेके आती है हीमोग्लोबिन, उसके बाद में यहां से ऑर्गनों से अंगों से हमारे हार्ट तक जो पहुंचाती है उसको कहते हैं सराय। क्या कहते हैं, सराय। सराय चूंकि हमारे हृदय के ऊपर भी पाई जाती है और नीचे की पाई जाती है, नीचे वाले हिस्से में, ऊपर वाले जो हिस्से में पाई जाती है सराय उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाले हिस्से में जो पाई जाती है उन्हें कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। अब यहां से जो सराय है हार्ट तक पहुंचाती है, लेकिन CO2 मिल जाती है तो ये अशुद्ध हो जाता है रक्त। क्या हो जाता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है। अशुद्ध रक्त को यहां से यहां पहुंचाती है कौन, सराय, और यहां से हार्ट से लंग्स तक जो पहुंचाती है वो है फुफ्फुस धमनियां। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस स्राव में कैसा बहता है, अशुद्ध, शुद्ध बहता है, और स्राव में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। ये समय में आ गया। अब इसकी बात करें तो हार्ट की, हार्ट के हमारे चार कक्ष होते हैं, पहला ये, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। दो आलिंद और दो निलय, लेफ्ट आलिंद लेफ्ट निलय। सबसे पहले ब्लड यहां पहुंचेगा कहां से, हमारे लंग्स के द्वारा। लंग्स के द्वारा हमारा जो ब्लड है कब पहुंचेगा, यहां पहुंचा, इसका मतलब शुद्ध रक्त यहां पहुंचा, कौन पहुंचा रहा है, ये फुफ्फुस सराय पहुंचा रही है। आलिंद में जब पहुंचा तो यहां से डाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल से आयोटा जुड़ा रहता है, आयोटा में बहुत सारी धमनियां जुड़ी रहती है। धमनियों के द्वारा पूरा का पूरा ब्लड जो है कहां पहुंच जाता है, हमारे शरीर में पहुंच जाता है, अंगों में पहुंच जाता है। और ये जो है क्षेत्र, ये हमारा हृदय का बाएं हिस्सा जिसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद अंगों से जो हमारी सराय लेके आ रही है, तो ऊपर वाले हिस्से से जो ला रही है तो वो सुपीरियर वेना कावा है हमारे ब्लड को, और जब नीचे वाले हिस्से से ला रही है वो इंफीरियर वेना कावा है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाती है, ये राइट ऑरिकल में, इसका मतलब आलिंद में, दाएं आलिंद में पहुंचाती है, ठीक है। और इसके बाद में ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा यहां से यहां पहुंच जाता है ब्लड, और उसके बाद में यहां से फुफ्फुस धमनी कहां पहुंचा देती है, हमारे फेफड़ों तक, और वहां पर ये शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद में वही प्रोसेस लगातार ये चलती रहती है। इस प्रकार पूरा का पूरा रक्त परिसंचरण हो जाता है, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, क्या कक्ष बराबर होते हैं लगभग। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताया, एक धड़कन में हमारा जो हृदय है 70 ml ब्लड पंप करता है, 24-72 धड़कनों में जो पंप करता है 5 लीटर, और 24 घंटे में जो पंप करता है वो लगभग 7000 लीटर ब्लड रहता है, ठीक है। अगर हम इसको ये डायग्राम बनाए कि ये पूरा का पूरा कैसे चला, तो ये देखिए, पहले हमने लंग्स बनाया, इसको मिटा देते हैं, थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है, हमने छोटा सा बोर्ड है एक्चुअल में। चलिए, हमने लंग्स बनाया, ये हमारे फेफड़े यहां पहुंचे, यहां के बाद में जो ब्लड को लेके जा रहा है कौन लेके जा रहा है, यहां से फुफ्फुस सिरा,
ठीक है, कहां पहुंचाया? हार्ट, ठीक है, हार्ट तक पहुंचा दिया। अब हार्ट के बाद में कहां पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा तो? आयोटा में, आयोटा बना दो यहां, आयोटा। आयोटा के बाद कहां पहुंचेगा? धमनियों के द्वारा, धमनियों के द्वारा कहां पहुंचेगा? अंगों तक। धमनी, धमनियों के द्वारा कहां पहुंचा? अंगों तक। ये क्या है? धमनी है। क्या है? धमनी, ठीक है। ये क्या है? धमनियां है। अंगों तक पहुंच गया। अंगों के बाद में जो हमारे ये ला रही है कौन? सिरा है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो अंगों के द्वारा इस अंगों को हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, या ये ठीक रहेगा, ऑर्गन लिख देते हैं, ऑर्गन, ठीक है। अब ये ऑर्गन के द्वारा फिर ब्लड जाएगा, आया ना, कौन लेके जाएगा? सिराएं, कौन लेके जाएगा? सिराएं। कहां लेके जा रही है? हार्ट तक। कहां लेके जा रही है? एच ई ए आर टी, हार्ट। हार्ट के बाद में कहां पहुंच जाएंगे? पप्पूस, धमनी के द्वारा यहां पर। तो यहां से ऐसे जोड़ सकते हैं इसको, पप्पूस धमनी के द्वारा कहां पहुंच गई? ये एरो लगा सकते हैं हम लोग इसमें, हो सकता है कि नहीं? समझ आया कुछ? पूरी प्रोसेस ये, इसको और बना लीजिए छोटा सा डायग्राम। अगर आप कुछ लिखेंगे नहीं तो भी इससे समझ सकते हैं कहां से कहां पहुंचता है ब्लड। समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सी चीज। आप लोगों को डायग्राम समझ आ गए तो आराम से आप कर सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं शुद्ध कहाँ है, अशुद्ध कहाँ है, कौन ले जा रहा है, कौन ला रहा है, सभी चीजें आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसमें एक चीज और लिख लेना, इसमें हृदय के नीचे वाले हिस्से से, नीचे वाले हिस्से की सिराए, ठीक है, और इसमें ऊपर वाले हिस्से की सिराए है कि नहीं? इससे क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा याद रहेगा, राइट। और दो तीन पॉइंट और लिखने हैं आप लोगों को। पहला क्या, एक धड़कन में हृदय 70 ml रक्त ब्लड पंप करता है। क्या करता है? 70 ml रक्त पंप करता है। 72 धड़कनों में कितना करेगा? 72 धड़कनों में, हमारे हृदय 72 बार ही धड़कता है ना, किसी का ज्यादा धड़कता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोल देते हैं मेरा दिल धड़क रहा है तुम्हारे लिए, कई बार ज्यादा तो नहीं धड़कने का, ऐसा तो नहीं होता। 72 धड़कनों में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। कितना? 5 लीटर। तीसरा क्या है, 24 घंटे में लगभग
7000 लीटर पंप करता है। ठीक, चीजें आप लोगों को आनी चाहिए थोड़ी सी, समझ आ रहा है? हाँ तो हमारे हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये बताओ? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वालिंद, द्वनिंद। हमारे हृदय में कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है? हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त बहता है, बाएं या दाएं में? बाएं। अशुद्ध किसमें बहेगा? दाएं। हमारा हृदय सिकुड़ता है तब क्या भरता है, किसमें पर रक्त पहुंचता है? आलिंदों में। और जब फैलता है तब निलय में पहुंचता है। सही है। हमारे हृदय को जो रक्त प्रोवाइड करवाता है फेफड़ों से, उसका नाम क्या है? फुफ्फुस सिराय। ठीक है। और हमारे अंगों तक हृदय से कौन पहुंचाता है? धमनियां। तो फुफ्फुस सिराओं और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, बाकी में अशुद्ध रक्त बहता है। जैसे फुफ्फुस, धमनियां और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। समझ आए? ये सभी चीजें हैं। समझ आएगा कुछ आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी का जो क्लास है कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बेटा आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों में बताइए, 7 बजे जुड़ जाएं आप लोग लाइव से। और दूसरी चीज ये है कि इसकी वीडियो को, आज की जो क्लास है उसकी वीडियो, डेली की वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी, महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी, उस पर डाल दी जाती है, वहां भी देख सकते हैं आप लोग। और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें सभी लोग। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।